वेलकम यू इन भुपेंद्रा बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है। अब ऑर्गेनिज्म हमारा सेम भी हो सकता है, एक ही ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रोड्यूस करे, और मेल गैमेट्स दूसरे से और फीमेल गैमेट दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो। लेकिन देखिए, मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे चाहे वो एक ही ऑर्गेनिज्म हो चाहे अपोजिट सेक्स वाले इंडिविजुअल हो। दोनों की फ्यूजन से जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर All organism have to reach a certain stage of growth and maturity in their life. अपनी लाइफ के अंदर वो एक स्टेज में पहुंचते हैं, उनके अंदर ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है। कब? जब वो रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, उससे पहले उनके अंदर एक ग्रोथ और मैच्योरिटी की फेज आती है। दैट फेज इज नोन एज जेविनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज। जेविनाइल वर्ड हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए और वेजिटेटिव फेज हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। तो हम बोल सकते हैं प्लांट्स या एनिमल में रिप्रोड्यूस करने से पहले एक स्टेज आती है जिस स्टेज का ग्रोथ और मैच्योरिटी की फेज बोलते हैं। उसके बाद ग्रोथ और मैच्योरिटी के बाद उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आती है। रिप्रोडक्टिव फेज को हम इजिली देख सकते हैं हायर प्लांट्स में, जब उनके अंदर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। तो प्लांट को हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट दे प्रोड्यूस। प्लांट्स मोनोकार्पिक हो सकते हैं, पॉलीकार्पिक हो सकते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब है प्लांट्स अपनी लाइफ में एक ही बार क्या करेंगे, फ्रूट्स प्रोड्यूस करेंगे। मोनो का मतलब वन होता है, कार्प मतलब फ्रूट। मोनोकार्प मतलब एक ही बार फ्रूट फॉर्मेशन होगी उन प्लांट्स में। पॉली मीन्स मैनी टाइम्स, कार्प फ्रूट्स, मैनी टाइम्स दे कैन प्रोड्यूस फ्रूट्स। मोनोकार्पिक को फर्दर डिवाइड करते हैं हम एनुअल एंड बाइनियल। एनुअल उन प्लांट्स को बोला जाता है, उन मोनोकार्पिक प्लांट्स को बोला जाता है जो अपनी लाइफ स्पेन को एक सिंगल ग्रोइंग सीजन में ही कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे वीट एंड राइस। थोड़े से टाइम में ये ग्रो भी हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर देते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। दूसरा है मोनोकार्पिक बाइनियल प्लांट। मोनोकार्पिक बाइनियल वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को टू ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा फूड स्टोर करते हैं, और सेकंड ग्रोइंग सीजन में वो क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, जैसे रेडिश एंड कैरेट। फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में अपनी रूट के अंदर क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, और नेक्स्ट सीजन में उनके अंदर क्या होता है, ऊपर लीव्स तो पहले से प्रेजेंट होती है, उनके अंदर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं पॉलीकार्पिक पेरिनियल। पेरिनियल वो होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को मोर देन टू ईयर में कंप्लीट करते हैं, और हर साल उनके अंदर आफ्टर मेच्योरिटी, आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज उनके अंदर फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन होता है एवरी ईयर। एग्जाम्पल एप्पल एंड मैंगो। अब बात करते हैं हम एनुअल एंड बाइनियल जो है। सो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। जैसे वीट है, हमें पता चलेगा कि इसकी ग्रोथ फेज है, मैच्योरिटी हो गई है, अब ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, अब इसमें सेनेसेंस हो गया है, मतलब अब इसकी डेथ होने वाली है, क्लियर हमें पता चल जाएगा एनुअल में भी और बाइनियल में भी। बट इन पेरिनियल स्पीसीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर दीज फेज। वो क्यों? क्योंकि देखिए पेरिनियल के अंदर क्या आएगी, पहले वेजिटेटिव फेज आएगी, वेजिटेटिव फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आएगी, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद फिर दोबारा से उनके अंदर क्या आता है, फिर दोबारा से वो फ्लावरिंग होगी, फिर नेक्स्ट ईयर फिर फ्लावरिंग होगी। तो एक फ्लावरिंग सीजन से और दूसरे फ्लावरिंग सीजन के बीच में कौन सी फेज होगी, हमें पता फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव फेज में होती है, और रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाली कौन सी फेज होती है, वेजिटेटिव। तो बीच में क्या होगा, ये हमारे पास वेजिटेटिव फेज, ये रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव के बाद फिर प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दोनों फेज के बीच में, इन दोनों फेज के बीच में कौन सी फेज होगी, हम ये नहीं बोल सकते कि सेनेसेंट फेज है या वेजिटेटिव फेज है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पेरिनियल प्लांट होंगे उनके अंदर कोई क्लियर कट पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए यहां पे बैम्बू प्लांट है, एक स्ट्राबिलिसेंथस कुंथियाना प्लांट है। दोनों क्या करते हैं, दे शो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना। अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना शो करते हैं, वो कैसे अभी देखते हैं। देखिए अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, बैम्बू एंड नीलकुरंजी, जिसको स्ट्राबिलिसेंथस कुंथियाना भी बोला जाता है,
बोथ आर मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक हैं, पेरिनियल प्लांट हैं। वो कैसे? हमने तो पेरिनियल को किसमें पढ़ा था? पॉलीकार्पिक में पढ़ा था, लेकिन ये मोनोकार्पिक में कैसे पेरिनियल प्लांट आ गए? देखिए, बोथ प्रोड्यूस फ्लावर वंस इन देयर लाइफ। बैम्बू और नीला कुरांजी दोनों अपनी लाइफ में एक ही बार फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इनको क्या बोला हमने? मोनोकार्पिक बोला। बट लिव फॉर मोर देन 2 ईयर, लेकिन अपनी लाइफ स्पेन को 2 से ज्यादा ईयर में कंप्लीट करते हैं, इसलिए क्या हुए? पेरिनियल प्लांट हुए। बैम्बू के बारे में बात करते हैं। फ्लावर ओनली वंस, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर, एक ही बार अपनी लाइफ में ये प्रोड्यूस करते हैं 50 to 100 ईयर के बाद, एंड इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एंड डाई। ऐसे स्ट्रॉबिलस एंथस कुंथियाना की बात करते हैं, नीला कुरांजी जिसको हम लोकली बोलते हैं, ये फ्लावर करते हैं वंस इन 12 ईयर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर। लास्ट टाइम इनके अंदर फ्लावरिंग हुई थी 2006 के अंदर, उसके बाद 2018 में होगी। अब नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कब होगी। इट फाउंड इन हिली एरिया ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, एंड दे हैव ब्यूटीफुल ब्लू कलर फ्लावर। इनके बहुत सुंदर ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, दे अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। इनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम बात करते हैं अब रिप्रोडक्टिव साइकिल्स एनिमल के अंदर। एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल्स कौन कौन सी होती हैं? तो एनिमल्स में 2 टाइप की रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती हैं, ऑस्टोरस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑस्टोरस साइकिल होती है नॉन प्राइमेट्स में, जो प्राइमेट्स नहीं है। प्राइमेट्स किनको बोला जाता है? ह्यूमन को, एप्स को और मंकी को। ह्यूमन, एप्स एंड मंकी, यानी कि हम, H-A-M, हम प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स के अंदर काउ, सीप, रैट, डॉग, ये सब आ जाते हैं। ऑस्टोरस साइकिल के अंदर ब्लीडिंग फेज इज अब्सेंट। जैसे ह्यूमन के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें 3 से 5 दिन की एक ब्लीडिंग फेज आती है, जो कि ऑस्टोरस साइकिल में नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ऑस्टोरस साइकिल के अंदर फीमेल जो क्या करती है? अलाउ करती है मेटिंग विद द अपोजिट पार्टनर, अपोजिट सेक्स पार्टनर, इन हीट पीरियड ओनली। ऑस्टोरस साइकिल में एक स्पेशल हीट पीरियड आता है, उसी पीरियड के दौरान फीमेल मेल को अलाउ करती है मेटिंग के लिए, लेकिन ऐसा कोई हीट पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं होता है, और फीमेल अलाउ मेटिंग एनी टाइम एक्सेप्ट द ब्लीडिंग फेज। ऑस्टोरस साइकिल में एंडोमेटीरियम, यूट्रस की जो लेयर होती है एंडोमेटीरियम, सबसे अंदर वाली लेयर, वो ब्रोक होती है एंड रीअब्जॉर्ब हो जाती है, बाहर कुछ नहीं निकलता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रोकन एंडोमेटीरियम इज पास्ड आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फेज, टूट करके म्यूकस के साथ और अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ वो मेंस्ट्रुअल फ्लूड के साथ बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं हम सीजनल ब्रीडर वर्सेस कंटिन्यूअस ब्रीडर, ये क्या होते हैं? ये तो हमें पता है, मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन, जो नेचुरल किसी प्लेस पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं, सो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फेवरेबल सीजन। तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है, वो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, और उनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। जैसे शिप है, गोट है, हॉर्स है, कैटल्स है एंड पिग्स है, ये सब सीजनल ब्रीडर है। एक पर्टिकुलर सीजन में क्या करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सम मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, और कुछ मैमल्स होते हैं पूरी लाइफ जब तक उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज रहेगी वो क्या करें, क्या करेंगे? एक्टिव रहेंगे, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ह्यूमन, एप्स एंड मंकी, ये इनको क्या बोलेंगे? हम कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलेंगे। इनको कोई पर्टिकुलर सीजन की जरूरत नहीं होती, किसी भी टाइम भी मेटिंग कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही मेटिंग करेंगे और रिप्रोड्यूस भी पर्टिकुलर सीजन में करेंगे। अब यहां पे खास बात है बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स विच आर लिविंग नेचुरल वाइल्ड हैबिटेट, नेचुरल बर्ड जो होती हैं वाइल्ड कंडीशन में जो रहती हैं वो सीजनल ब्रीडर होती है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करती हैं। दे ले एग ओनली इन ए पर्टिकुलर सीजन। लेकिन ह्यूमन ने उनको अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए एक्सप्लोइट किया और उनको सीजनल ब्रीडर से क्या बना दिया? कॉन्टिन्यूस ब्रीडर बना दिया। पोल्ट्री फॉर्म के अंदर कैसे बनाया? उनको जरूरत से ज्यादा हीट दे करके, उनका फूड ऐसा दे करके, हार्मोनल थेरेपी करके उनको हमने सीजनल से क्या बना दिया? कॉन्टिन्यूस ब्रीडर बना दिया। क्यों बना दिया? अब कोई बर्ड्स है जिसे पोल्ट्री फॉर्म की बात कर लेते हैं, पोल्ट्री फॉर्म के अंदर हमें एग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और ज्यादा एग के लिए क्या करना पड़ेगा?
बर्ड्स को कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होना पड़ेगा। अगर वो पर्टिकुलर सीजन में ही एग प्रोड्यूस करेंगी तो हमारी पोल्ट्री फार्म चल नहीं पाएगी, बहुत कम एग प्रोड्यूस होंगे। इसलिए हमने उनको हार्मोनल थेरेपी देकर के, हीट देकर के, कुछ ऐसा स्पेशल फूड देकर के उनको कॉन्टिन्यूस ब्रीडर बना दिया है। तो अब हम बात करते हैं सेनेसेंस फेज की, जो कि थर्ड फेज होती है हमारी लाइफ की। सेनेसेंस फेज मतलब इट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज को हम कंसिडर करते हैं एज ए पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस। इट इज टर्मिनल इरिवर्सेबल स्टेज ऑफ एजिंग एंड लीड टू डेथ। टर्मिनल स्टेज होती है, रिवर्सेबल नहीं होती है और लीड टू डेथ। ड्यूरिंग दिस फेज ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिकम्स स्लो। हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सब स्लो हो जाएंगी और धीरे धीरे वो बंद हो जाएंगी और अल्टीमेटली लीड टू डेथ। अब क्वेश्चन यह आता है, हम वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव या जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव फेज से हम सेनेसेंट फेज में और उसके बाद डेथ, ये हम एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिस्ट कैसे हो जाते हैं? व्हाई, व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस ऑफ लाइफ स्पैन? उसके लिए हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एनवायरमेंट में हीट ज्यादा है, कोल्ड ज्यादा है, कौन सी कंडीशन है, वो भी हमारे रिप्रोडक्टिव फेजेस को चेंज करवाते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देर आर थ्री मेन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी बात करते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनने के बाद गैमेट्स एक दूसरे को फ्यूज करेंगे, और गैमेट फ्यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गैमेट्स को एक दूसरे तक पहुंचाना पड़ेगा, उसको हम नाम देते हैं गैमेट ट्रांसफर। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर दो मेन इवेंट्स आ जाती हैं, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। दूसरा गैमेट ट्रांसफर, गैमेट बन गए, अब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है हमें, तो गैमेट को ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, मेल ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स बनाएगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमेट्स बनाएगा। अगर कोई हर्माफ्रोडाइट है तो उसके अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रोड्यूस होंगे, और गैमेट्स हमेशा हैप्लोइड होंगे। पेरेंट्स हमारा हैप्लोइड भी हो सकता है, डिप्लोइड भी हो सकता है, गैमेट्स हमेशा क्या होंगे, हैप्लोइड होंगे। अब जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स बोल सकते हैं, और दूसरे टाइप्स हैं हेट्रोगैमेट्स। जैसे नाम से पता चल रहा है होमो आइसो मतलब सिमिलर इन अपीयरेंस, देखने में एक जैसे दिखेंगे, हम बता नहीं सकते ये मेल है या फीमेल है। नॉट पॉसिबल टू कैरेक्टराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स, हम बता ही नहीं सकते देख करके। कहाँ मिलेंगे, फाउंड इन फ्यू एल्गी, एग्जाम्पल क्लेडोपोरा है, यूरोथिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है। इनके अंदर दोनों गैमेट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये देखिए दोनों गैमेट्स बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, ये आइसोगैमेट्स हैं किसके, क्लेडोपोरा जो कि एक एल्गी है। दूसरा बात करते हैं हम हेट्रोगैमेट्स, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, देखने में अलग ही दिखाई दे जाएंगे, ये मेल है ये फीमेल है, साइज अलग होगा, शेप अलग होगी। मेल को बोलेंगे एंथ्रोजॉइट्स या स्पर्म बोलेंगे, और फीमेल को एग या ओवम बोलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें हम, फ्यूकस है, चारा है, वॉल्वॉक्स है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, हिमन, मतलब मोस्ट जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मोस्टली हेट्रोगैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए ये देखिए हमारे पास ये मेल गैमेट है, ये छोटा सा फीमेल गैमेट है, सॉरी ये छोटा सा, ये बड़ा सारा दिखाई दे रहा है, ये फीमेल गैमेट है, दिस इज फीमेल गैमेट, दिस इज मेल गैमेट। किसके ये फ्यूकस एक एल्गी है, देखो साइज में कितना डिफरेंस है। इधर ह्यूमन की बात करते हैं, ये फीमेल गैमेट एग बोलते हैं, ये स्पर्म है मेल गैमेट, एग का साइज बड़ा है, स्पर्म का साइज छोटा है, दोनों की शेप भी डिफरेंट है, तो दोनों क्या हो गए, हेट्रोगैमेट्स हो गए ह्यूमन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, कि कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, कोई बाईसेक्सुअल होता है, कोई यूनिसेक्सुअल होता है, ये सब क्या है।
तो देखिए हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल वर्सेस डायोसियस। यूनिसेक्सुअल का मीनिंग होता है ऑर्गेनिज्म हैविंग यूनिक सेक्स, एक ही सेक्स हो, या तो मेल हो या वो फीमेल हो। ठीक है, अगर प्लांट की केस की बात करें, अगर कोई प्लांट मेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मेल सेक्स है उसका, एक सेक्स है वो भी क्या है, मेल है, और उसमें मेल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट। फ्लावर को नाम बोलेंगे स्टेमिनेट। प्लांट के अंदर एक सेक्स है, फीमेल है, फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस फीमेल फ्लावर को बोलेंगे पिस्टिलेट। ठीक है, दूसरी टर्म है हमारे पास बाइसेक्सुअल। बाई मतलब टू, सेक्सुअल मतलब ऑर्गेनिज्म हैविंग टू सेक्स। मोनोसियस का भी मतलब क्या है, ए ऑर्गेनिज्म या एक प्लांट हैविंग टू सेक्स। द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग बोथ सेक्स, दोनों सेक्स जिसके पास प्रेजेंट हो, कैसा किसमें होता है, इन सेवरल फंगस एंड प्लांट्स, उनमें देखने को मिलता है। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, यूनिसेक्सुअल में तो हम पता चल रहा है यूनिक सेक्स, मेल होगा या फीमेल होगा, बाइसेक्सुअल मतलब बाई मतलब टू, ऑर्गेनिज्म हैविंग टू सेक्स, डायोसियस में और मोनोसियस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसको एक बात से याद करेंगे, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों मैरिज कर लेते हैं, मैरिज के बाद लड़का लड़की इकट्ठे रहेंगे, तो मैरिज से याद रखेंगे मोनोसियस, मैरिज से क्या बन गया, मोनोसियस। मैरिज कर ली, लड़का लड़की इकट्ठे एक ही घर में, मतलब एक ही रूम के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट हैं, मतलब हम बोल सकते हैं एक प्लांट है या एक एनिमल है, उसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर भी हैं, या बोल सकते हैं दोनों सेक्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं। मैरिज के बाद दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, बाद में किसी बात को लेकर के उनका झगड़ा हो गया, डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद क्या होगा, लड़का अलग लड़की अलग, मतलब मेल अलग रह रहा है फीमेल अलग रह रहा है, तो डाइवोर्स से क्या बन गया, डायोसियस, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स क्या होंगे, सेपरेट रहेंगे। तो इस बात से आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारी फंगस जो होती है और बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर हम डायोसियस के लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, हेटरोथेलिक, मतलब उनकी बॉडी थैलस होती है, जिसको रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं हम, तो उसको बोलेंगे हेटरोथेलिक। तो ये हेटरोथेलिक कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब मेल थैलस अलग है उनका और फीमेल थैलस अलग है। तो कुछ एग्जांपल है हमारे पास, साइकस, मार्केंसिया, कॉकरोच, पपाया एंड डेट, ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, यूनिसेक्सुअल है। इनका एग्जाम्पल लर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी टर्म याद रख लेंगे, कास माँ को पापा डांटें, कास से साइकस बन गया, माँ से मार्केंसिया, को से कॉकरोच, पापा पपाया, डांटे से डेट बन गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनके एग्जाम्पल हमें याद रहेंगे, सारे क्या है, यूनिसेक्सुअल है। नेक्स्ट, अब कुछ फंगी के अंदर प्लांट्स, फंगस के अंदर और प्लांट्स के अंदर मोनोथेलिक कंडीशन जो होती है, होमोथेलिक कंडीशन एंड मोनोसियस एक ही होती है। होमोथेलिक का मतलब होता है एक ही थैलस जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं, उसको हम बाइसेक्सुअलिटी के लिए यूज करते हैं, वहां पे सिर्फ बाइसेक्सुअल की जगह पे क्या वर्ड यूज कर लेंगे, होमोथेलिक। कुछ एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के अंदर अगर दोनों सेक्स प्रेजेंट हैं, वो हम प्लांट की बात कर रहे थे, अगर एनिमल्स के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट हैं, तो उस एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोल देते हैं, जैसे अर्थवर्म है, मेल और फीमेल सेक्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा। तो इसके एग्जांपल है कैस्टर, कुकरबिटा, स्वीट पोटैटो, कोकोनट, मेज, पाइनस, सब क्या है, मोनोसियस हैं या बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं। तो इनको लर्न करने, ऐसे कुछ और भी हैं, टेपवर्म है, लीच है, अर्थवर्म है और स्पंज है, सब क्या है, मोनोसियस है। तो इनको एग्जांपल याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, कास तो कुकुर मीठा नारियल मजे से पीता, कुकुर किसको बोलते हैं, कुत्ते को बोलते हैं, कास तो कुकुर मीठा नारियल मजे से पीता, कैस्टर कुकुर से कुकरबिटा बन गया, मीठे से स्वीट पोटैटो, नारियल कोकोनट, मजे से मेज, पीता से पाइनस। ये कुछ एग्जांपल हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। तब डायग्राम देख लेते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास मार्केंशिया है जो कि एक ब्रायोफाइट्स है, रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट थोड़ा हम नहीं कर पाते हैं, इसके अंदर थैलस बोला जाता है, इसके मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं, ये फीमेल थैलस है, इसको आर्के गोनियोपोर बोला जाता है,
ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इधर ये मेल थैलस है, और इसको एंथ्रीडियोपोर बोला जाता है। अब कई बार डायग्राम से कैसे पहचानेंगे मेल थैलस है फीमेल थैलस है, तो याद रखना फीमेल थैलस जो होगा उसके ऊपर फ्लावर की शेप जो होगी, जो फ्लावर पार्ट जो आर्किगोनियोपोर जो बना है फ्लावर की शेप में है, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाई देगा, उस शार्प शेप दिखाई देगी उसकी, जैसे लड़कियां होती है ना साफ सुंदर बनी सजी रहती है। और मेल के अंदर ना टाइम से नहाएंगे ना धोएंगे, ऐसे ही इतनी अपनी बॉडी की केयर नहीं करते हैं मेल, तो इसलिए इनकी शेप ऐसी ही दिखाई दे रही है। तो हम पहचान सकते हैं कि मेल थैलस कौन सा है फीमेल थैलस कौन सा है, इसको एंथ्रीडियो पोर बोलेंगे। ऐसे ही चारा के अंदर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है चारा, चारा क्या है, एक मोनोसियस कंडीशन है, फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है एक ही ब्रांच के ऊपर। इसमें फीमेल जो ऑर्गन होता है सेक्स ऑर्गन उसको न्यूक्यूल्स बोलते हैं या उगोनियम भी बोलते हैं, न्यूक्यूल्स याद रखना है, और मेल को बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल्स भी बोल देते हैं। और ग्लोब्यूल्स जो लगते हैं वो नीचे की तरफ लगते हैं और फीमेल गैमेट जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ये ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं हम सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट्स बनते हैं तो सेल डिवीजन कैसे होगा। यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गैमेट्स हमेशा हैप्लोइड होंगे, पेरेंट्स हमारे हैप्लोइड भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हमारे डिप्लोइड भी हो सकते हैं। अब हैप्लोइड पेरेंट्स हैप्लोइड गैमेट्स कैसे बनाएंगे, तो उनको एक स्पेशल टाइप की साइकिल शो करनी पड़ेगी, सेल साइकिल इसको बोलते हैं, मतलब स्पेशल टाइप का डिवीजन शो करना पड़ेगा, दो की क्या होगा माइटोसिस, क्योंकि हैप्लोइड पेरेंट्स हैं हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म है, उसमें मियोसिस तो हो नहीं सकता कभी भी, डिप्लोइड में ही हो सकता है। तो हैप्लोइड पेरेंट्स क्या करेंगे, माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स बनाएंगे जो कि हैप्लोइड होंगे, और डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस कर सकते हैं, और मियोसिस से क्या बनाएंगे गैमेट्स बनाएंगे, तो डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस करेंगे और हैप्लोइड गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स हमेशा हैप्लोइड ही बन रहे हैं। हैप्लोइड पेरेंट्स कौन कौन से होंगे, लाइक मोनेरा, फंगस, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, इनकी बॉडी जो होती है पेरेंट बॉडी वो हैप्लोइड होती है, तो ये सारे माइटोसिस के थ्रू अपने गैमेट्स बनाएंगे। उधर डिप्लोइड के अंदर टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म है, एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन दे हैव डिप्लोइड सेल, और उस सेल को क्या बोलते हैं डिप्लोइड सेल को, इसमें मियोसिस होती है, मियोसाइट बोलते हैं, याद रखना है, जो सेल मियोसिस शो करेगी उसको बोलेंगे मियोसाइट या गैमेट मदर सेल, तो उसमें क्या होगा मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या बनेंगे हैप्लोइड गैमेट्स बनेंगे। अब हम बोल सकते हैं कि हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म लाइक क्लेमाइडोमोनास, यूरोथिक्स अंडरगो जायगोटिक मियोसिस, याद रखना है, क्योंकि पेरेंट्स जो होंगे वो तो हैप्लोइड होते हैं, उनके अंदर तो मियोसिस पॉसिबल नहीं है, तो वो गैमेट्स बनाएंगे किससे, माइटोसिस से बनाएंगे। जब गैमेट्स बन जाएंगे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और जायगोट बनेगा, तो जायगोट डिप्लोइड होगा, उस जायगोट से उनको दोबारा से हैप्लोइड पेरेंट बॉडी बनानी है, तो उस जायगोट में क्या होगी मियोसिस होगी, तो उसको हम क्या नाम देंगे जायगोटिक मियोसिस नाम देंगे, क्योंकि जायगोट ही हमारा डिप्लोइड कंडीशन बनती है किसमें हैप्लोइड लाइफ साइकिल के अंदर, तो जायगोट में मियोसिस हो रही है तो जायगोटिक मियोसिस नाम दे देते हैं, और वो किसमें होगा क्लेमाइडोमोनास में, यूरोथिक्स में। अब बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ गैमेट्स। ये तो बताया मियोसाइट जो सेल होती है डिप्लोइड होती है, गैमेट्स क्या होते हैं हैप्लोइड होते हैं, तो इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर क्या चेंज आएगा, एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमन का जो डिप्लोइड सेल होती है उसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर होते हैं, टोटल क्रोमोसोम हो गए 46, तो उसके गैमेट्स में कितने होंगे, हमारे एग में और स्पर्म में कितने होंगे 23 होंगे। ऐसे रैट के अंदर डिप्लोइड सेल मतलब मियोसाइट के अंदर 42 क्रोमोसोम होंगे, तो गैमेट्स में 21 हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, तो मतलब रिलेशन क्या हुआ, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, पोटैटो डिप्लोइड सेल में 48 उसके गैमेट्स में 24 हाफ हो जाएंगे, बटरफ्लाई में 380 गैमेट्स में 190 हो जाएंगे, हनी बी में 32 उनके गैमेट्स में 16 हो जाएंगे, मतलब मियोसाइट और गैमेट्स के बीच में रिलेशन क्या हुआ, गैमेट्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू मियोसाइट, या बोल सकते हैं मियोसाइट हैविंग पेयर ऑफ क्रोमोसोम जबकि गैमेट्स में क्या होंगे उससे हाफ होंगे, दोनों के अंदर ये रिलेशनशिप रहेगा। ये भी बोल सकते हैं मियोसाइट अंडरगो मियोसिस
एंड प्रोड्यूस हैप्लोइड गैमेट्स, या बोल सकते हैं मियोसाइट इज ए सेल विच इज डिप्लोइड इन नेचर एंड विच अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस हैप्लोइड गैमेट्स। तो हमारे गैमेट्स बन गए, कैसे बने, सेम होते हैं डिफरेंट होते हैं, उसके बेसिस पे एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों गैमेट्स बना रहा है या अलग अलग ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल के हम गैमेट्स बना रहे हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं गैमेट्स हमारे बन गए, अब गैमेट्स बनने के बाद गैमेट्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो कैसे ट्रांसफर होंगे, तो मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स के अंदर मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, मूव कर सकता है। फीमेल गैमेट क्या होता है, स्टेशनरी रहता है, एक ही जगह पे फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता है। तो फीमेल मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना पड़ता है। कुछ एक्सेप्शन है इसमें भी, फंगस और कुछ एल्गी के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल्स होते हैं, दोनों इक्वल एफर्ट करते हैं। तो अब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचेगा, अलग अलग मीडियम चाहिए, वाटर से जाएगा, एयर से जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से मेल गैमेट जो होता है फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। तो वाटर की बात करते हैं सबसे पहले, मीडियम क्या है हमारा, वाटर। वाटर के थ्रू मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, किन प्लांट्स में पहुंचता है, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टाइडोफाइट्स में, ठीक है। तो वाटर के थ्रू मेल गैमेट्स पहुंचते हैं इन प्लांट्स के अंदर, तो उनको बहुत ज्यादा नंबर में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। क्यों, वाटर कोई गारंटी तो लेता नहीं कि उस वाटर के थ्रू मेल गैमेट्स जाएंगे वो फीमेल तक ही पहुंचा देगा, बहुत ज्यादा वाटर का लॉस भी हो जाएगा, बहुत सारे गैमेट डैमेज हो जाएंगे, टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वाटर जाएगा नहीं, कहीं भी जाएगा वाटर, तो फीमेल प्लांट्स तक जरूरी नहीं कि वाटर मेल गैमेट्स को लेके जाए, तो बहुत सारे गैमेट्स का लॉस होगा। उसको कंपनसेट करने के, लॉस को कंपनसेट करने के लिए या फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए मेल क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, नॉन डायरेक्शनल मीडियम है, कोई गारंटी नहीं है कि वाटर मेल गैमेट्स को फीमेल प्लांट तक ही पहुंचेगा, कहीं भी ले जा सकता है। तो कंपनसेट दिस लॉस, प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स। अब बात करते हैं, एक पोलन ग्रेन भी हमारा एक मीडियम है, इसमें मेल गैमेट जो होते हैं पोलन ग्रेन के थ्रू फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। सीडेड प्लांट लाइक जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, इसमें पोलन ग्रेन कैरीज द मेल गैमेट्स टू द ओव्यूल बाय पोलिनेशन। भी पोलन ग्रेन जो होती है वो पोलिनेशन के थ्रू कहां पहुंचती है, फीमेल पार्ट तक पहुंचती है। वो एयर से भी जा सकती है, वाटर से भी जा सकती है, किसी एनिमल के थ्रू भी जा सकती है, ठीक है। पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन क्या करेगी, अपने अंदर से पोलन ट्यूब निकालती है, तो पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स जो होते हैं ओव्यूल तक पहुंच जाता है। अब गैमेट ट्रांसफर हो गया हमारा, गैमेट ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमारे खत्म हुए, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू मेक जायगोट। कई बार हम मान लेते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स का यूनियन हो जाना, आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिलने से और जायगोट बनने तक की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। उसकी अलग अलग स्टेप्स है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इट इज द मोस्ट वाइटल एंड क्रिटिकल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत जरूरी इवेंट है, बहुत क्रिटिकल है। अगर हमारी फर्टिलाइजेशन हुई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। मेल ने भी गैमेट्स बना दिए, फीमेल ने भी गैमेट्स बना दिए, दोनों एक ही टाइम पे एक जगह पे नहीं पहुंच पाए, या मेल गैमेट सक्सेसफुली फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या होगा, सारी प्रोसेस हमारी बेकार हो जाएगी, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो यह बहुत एसेंशियल प्रोसेस है कि गैमेट ट्रांसफर और दो ट्रांसफर हो और मेल और फीमेल गैमेट्स एक टाइम पे इकट्ठे हो। तो हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं फर्टिलाइजेशन, तो उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से स्टेप रहते हैं। तो देखिए फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट है, ये हमारी आउटर वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स है, ये हमारा फीमेल गैमेट्स है, सेम इसमें क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर बाहर साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहले क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ये मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, तो इस फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं सिंगैमी,
मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और ये फ्यूजन जो होता है टेम्परेरी नहीं होता, परमानेंट होता है, कहीं कहीं पे टेम्परेरी भी होता है, कंजुगेशन जो बैक्टीरिया में होती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, इस टाइप को बोलते हैं सिंगेमी। जैसे ही सिंगेमी होती है तो मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में जो वाल ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये वाली वाल, ये क्या हो जाएगी हमारी, डिजोल्व हो जाएगी। देखिए डिजोल्व हो गई तो मेल गैमेट का साइटोप्लाज्म और फीमेल गैमेट का साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ या मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको बोलेंगे हम प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी हो गई, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग है हमारे। अब क्या होगा, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, उनकी वाल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, तो हमारे न्यूक्लियस का फ्यूजन जो है वो कहलाएगा कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी। न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, अब मेल के गैमेट्स, सॉरी मेल के क्रोमोसोम और फीमेल के क्रोमोसोम वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, इसको बोला जाता है इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम या इंटरमिंगलिंग ऑफ मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम। मेल का जो क्रोमोसोम फीमेल के क्रोमोसोम के साथ क्या होगा, होमोलोगस होगा, मीन सेम साइज का सेम शेप का होगा, वो सभी होमोलोगस क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, इंटरमिंगलिंग ऑफ मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम हो गया। इस प्रोसेस को मतलब इंटरमिंगलिंग ऑफ मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, एम्फीमिक्सिस बोलेंगे, तब जाकर के हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन कहलाएगी, ये बन गया हमारा जाइगोट। अब बात करते हैं वेयर डज सिंगेमी अक्कर, सिंगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहां पे होगा, तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल सिंगेमी हो सकती है या फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, सिंगेमी होने के बाद फर्टिलाइजेशन तो होगा। एक्सटर्नल सिंगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एक्सटर्नल होगा, फीमेल की बॉडी में ना होकर के किसी एक्सटर्नल मीडियम में। ऑल दीज सो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्स, और किसी मीडियम में हो रहा है, बाहर हो रहा है बॉडी से, तो मतलब सेम टाइम में फीमेल अपना एग प्रोड्यूस करेगी, सेम टाइम में मेल अपना गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, दोनों गैमेट्स का सेम टाइम में सेम जगह पे होना भी बहुत जरूरी है, ग्रेट सिंक्रोनी चाहिए दोनों सेक्सेस के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में। दूसरा क्या होगा, अब एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो मेल को बहुत ज्यादा नंबर में मेल गैमेट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे टू एनहांस द, क्यों, टू एनहांस द चांस ऑफ सिंगेमी, सिंगेमी के चांसेस को बढ़ाने के लिए। ऐसा किस में होता है, एल्गी में, फिश में, एम्फीबियंस में, फ्रॉग में, इन सब में एक्सटर्नल सिंगेमी या बोल सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट हमारा इंटरनल सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन, जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है लाइक फंगी, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, प्लांट्स के अंदर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, इन सब के अंदर इंटरनल सिंगेमी होती है, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल के गैमेट्स या फीमेल पार्ट के अंदर मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। फीमेल गैमेट जो होता है नॉन मोटाइल, जिसको एग बोलते हैं, मेल गैमेट मोटाइल होता है, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, और स्पर्म को पहुंचना पड़ता है एग के पास, सो दे प्रोड्यूस लार्ज इन नंबर। चाहे फर्टिलाइजेशन हमारे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, मेल गैमेट्स को तो बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के और एडवांटेज क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ओवर द एक्सटर्नल। तो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऑफस्प्रिंग जो बनेगा आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रीडेटर, या हम गैमेट्स की भी बात कर सकते हैं, गैमेट्स को बाहर किसी मीडियम से फीमेल गैमेट तक पहुंचना पड़ेगा, तो गैमेट्स या गैमेट्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होगी और डेवलपमेंट भी उसकी एक्सटर्नल होगी, बच्चे का डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होगा, तो उसके ऑफस्प्रिंग भी और उसके गैमेट्स भी एक्सट्रीमली वल्नरेबल होंगे टू प्रीडेटर, उनको प्रीडेटर खा सकते हैं, दे थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड, उनके बच्चे जब तक एडल्ट नहीं हो जाते या उनके गैमेट्स जब तक फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच जाते, फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती, तब तक उनको खतरा रहेगा मारे जाने का, खत्म हो जाने का। जबकि जिन ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है या इंटरनल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जैसे वीवी पैरस में होता है हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर, उनके अंदर बेटर सर्वाइवल चांस रहते हैं। एक तो मेल ने मेल गैमेट फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस कर दिया तो मेल गैमेट के सर्वाइवल चांस ज्यादा रहेंगे, किसी एक्सटर्नल मीडियम में नहीं है। दूसरा चाइल्ड का डेवलपमेंट भी इंटरनल हो रहा है तो फीमेल उनको एक सेफ प्रीडेटर फ्री
एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, बेटर केयर करती है, प्रोटेक्शन करती है, तो उसके सर्वाइवल चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब देखिए नोट फर्स्ट, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म बट्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बट डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल। कैसे? मेल बर्ड जो होती है अपने स्पर्म को फीमेल के वजाइनल ट्रैक में रिलीज करती है, तो उसके स्पर्म बर्ड की एग के साथ फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होने के बाद बर्ड जो होती है अपने एग को बॉडी से बाहर निकाल देती है, तो उसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ, मेल की बॉडी में नहीं हो रहा, एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है। सेकेंड, इन सीडेड प्लांट नॉन मोटाइल मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, इज कैरीड आउट बाई पोलन ट्यूब अप टू फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो मूव नहीं कर सकता था उसको फीमेल गैमेट तक कौन लेके गया, पोलन ट्यूब लेके गई है, ये याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन की बात हमने कर ली, अब बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद कौन कौन से इवेंट होंगे। तो ऑल द इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद और जायगोट की फॉर्मेशन के बाद जो भी इवेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नाम देंगे। तो देखिए जायगोट हमारा बनता है, जायगोट किससे बना, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में क्या थे, मेल थे फीमेल थे, मतलब इसके पेरेंट्स थे। अब जायगोट के बनते ही क्या होगा, जायगोट डेवलप होगा और सेकंड जनरेशन बना देगा, तो हम बोल सकते हैं कि जायगोट किसके बीच की एक कड़ी है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को लिंक कर रहा है, एंड इट रिप्रेजेंट द एंडिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन की एंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड जनरेशन की, ending of first generation and represent the beginning of second generation, so we can say it is the vital link between two generation. zygote kya hai, universal hai to all sexually reproducing organism, jo bhi organism sexually reproduce karta hai zygote to banega hi banega, to universal hai. ab zygote ban gaya, zygote se hamara development jo hoga zygote ka wo kiske upar depend karega, जायगोट का फर्दर डेवलपमेंट कैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो हैप्लोइड बनेगा कि डिप्लोइड बनेगा, कैसे बनेगा, वो डिपेंड करेगा एक तो उसकी लाइफ साइकिल कैसी थी ऑर्गेनिज्म की, दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशन और सराउंडिंग, इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। अब वो देखते हैं कैसे, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म हमारा क्या है, हैप्लोइड है, ऑर्गेनिज्म विद हैप्लोइड लाइफ साइकिल, जिन ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल हैप्लोइड होती है, हैप्लोन्टिक होती है, उसमें जायगोट का फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा, जायगोट डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लोइड स्पोर, दे फर्दर ग्रो इनटू हैप्लोइड इंडिविजुअल। देखिए हमारे पास एक गैमेटोफाइट है, मतलब पेरेंट्स हैं, हैप्लोइड बॉडी है, गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, किससे प्रोड्यूस होंगे, माइटोसिस से, हैप्लोइड गैमेट्स हमारे बन गए, पेरेंट हैप्लोइड थे, जायगोट बन गया, जायगोट डिप्लोइड है, अब इसमें मियोसिस हुई, हैप्लोइड स्पोर बन गए, इन्होंने जर्मिनेट किया और दोबारा से हैप्लोइड हमारे पास इंडिविजुअल बन गया। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है, तो इसका जायगोट, इसके जायगोट में क्या होगी, जायगोटिक मियोसिस होगी, तो इसका जायगोट की फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगी, बाय मियोसिस, जायगोट डेवलप होगा, हैप्लोइड स्पोर बनाएगा और उससे हमारा हैप्लोइड बॉडी बन जाएगी। ऐसा किसमें होता है, वोल्वॉक्स में, स्पायरोगैरा में, क्लेमाइडोमोनास में होता है। अब बात करते हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लोन्टिक है, डिप्लोइड है, स्पोरोफाइट जो होता है डिप्लोइड को रिप्रेजेंट करता है, 2N कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है डिप्लोइड, तो इसमें गैमेट कैसे बनेंगे, इसमें गैमेटोजेनेसिस होगी मियोसिस से, गैमेट्स हमारे पास क्या बनेंगे, हैप्लोइड बनेंगे, जो कि यूनिवर्सल है, गैमेट्स हमेशा हैप्लोइड होंगे, दोनों गैमेट्स हैप्लोइड हैप्लोइड गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, अब इस जायगोट में क्या हो रहा है, माइटोसिस होकर के स्पोरोफाइट बन रहा है, और पीछे वाले में जायगोट में क्या हो रहा था, मियोसिस हो रही थी, इसमें गैमेट्स बनने के लिए मियोसिस हो रही है, इसको गैमेटिक मियोसिस बोलेंगे, पीछे वाले केस में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जायगोट में मियोसिस हो रही थी, तो उसको जायगोटिक मियोसिस नाम दिया था हमने। तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल हैप्लोइड है या डिप्लोइड है, जायगोट वैसे ही हमारा क्या करेगा, डेवलप होगा। अब बात करते हैं हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में, स्पोरोफाइट है,
डिप्लोइड होगा, मियोसिस होगी, उसमें स्पोर बनेंगे, मतलब हैप्लोइड स्पोर होंगे। वो हैप्लोइड स्पोर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे हैप्लोइड। अब गैमेटोफाइट में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा माइटोसिस से, गैमेट्स के अंदर सिंगैमी होगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर दोबारा से स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है। इसमें भी क्या हो रहा है, जाइगोट जो बन रहा है उसमें माइटोसिस हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही है। यहां पे मियोसिस किस में हो रही है, स्पोर बनाने के लिए हो रही है, तो इस मियोसिस को क्या बोलेंगे, हम स्पोरिक मियोसिस बोलेंगे। तो ऐसा किस में मिलता है, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, जो कि टॉप मोस्ट टू हाईएस्ट कैटेगरी के प्लांट है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू एल्गी एंड फंगी। जाइगोट डेवलप्स ए थिक वॉल, जाइगोट अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, थिक वॉल बना लेता है एल्गी और फंगिस में। उस जाइगोट को हम फिर क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर बोलते हैं। और जाइगोस्पोर क्या हो जाता है, उस थिक वॉल के साथ रेजिस्टेंट हो जाता है टू डेसिकेशन एंड डैमेज, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर पाता है। एंड इट अंडरगो रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, वो रेस्ट करता है जर्मिनेशन से पहले। जाइगोट है एल्गी का, फंगी का, जाइगोस्पोर बनाया, जाइगोस्पोर रेस्ट करता है, फिर जर्मिनेट करता है, तो हमारी बॉडी कैसे बनेगी, हैप्लोइड बनेगी। मतलब इस जाइगोस्पोर में क्या हुआ, मियोसिस हुई, रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद जब वो जर्मिनेट करेगा तो क्या करेगा, मियोसिस करेगा और हैप्लोइड बॉडी बना देगा। दूसरा केस, जाइगोट है रेस्ट नहीं करता है तो डायरेक्ट जर्मिनेट करेगा बाय माइटोसिस, मियोसिस नहीं करेगा यहां पे, और बॉडी हमारी डिप्लोइड बन जाएगी। याद रखना है, रेस्ट करेगा तो क्या होगा और रेस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। तो अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट। प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंज आएंगे। फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, जाइगोट फॉर्म होगा इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हमारा जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल जो होंगी, ग्रीन फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट होता है, पेटल जो कलर्ड पार्ट होता है, और स्टेमन जो मेल पार्ट होता है, और फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ, सूख जाएंगी और टूट के गिर जाएंगी, झड़ जाएंगी। लेकिन चिली और ब्रिंजल, आपने देखा होगा चिली के पीछे ग्रीन कलर की क्या होती, कैलिक्स होती हैं, सेपल बोलते हैं उनको, एक सिंगल यूनिट को सेपल बोलते हैं और पूरे ग्रुप होल को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ऐसे बैंगन में पीछे परसिस्टेंट रहती हैं कैलिक्स, तो चिली में और ब्रिंजल में वो परसिस्टेंट रहती हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है, ओवरी से फ्रूट बन जाती है, फ्रूट ओवरी राइप होकर के फ्रूट बन जाती है। ओवरी की वॉल जो होती है वो फ्रूट की वॉल बन जाती है, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। कार्प मतलब फ्रूट, पेरी मतलब उसके बाहर जो वॉल जो होगी, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। ओव्यूल से सीड बन जाएंगे, आफ्टर डिस्पर्सल सीड डिस्पर्स होकर के जर्मिनेट करेंगे और फेवरेबल कंडीशन में न्यू प्लांट्स को बना देंगे। देखिए ये हमारे पास ओवरी है पी, ये इसके क्या है, ओव्यूल्स हैं, और ये ओवरी राइप होने के बाद क्या कहलाएगी, फ्रूट कहलाएगी, और ये इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग पेरिकार्प कहलाएगी, और ये हमारे क्या कहलाएंगे, सीड। पहले ओव्यूल बोलेंगे, राइप होने के बाद इनको क्या बोलेंगे, हम सीड बोलेंगे। ऐसे ये किसी दूसरे प्लांट का टीएस है, चलो फ्रूट का टीएस है, ये हमारी ओवरी की वॉल है, ये उसमें सीड है, और ये हमारी पी रिप्रेजेंट कर रही है पेरिकार्प, मतलब ले आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट जो प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। सीड हमारे डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं और जर्मिनेट करते हैं। तो एम्ब्रियो बनने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं, कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो दो चीजें होती हैं, एक तो सेल डिवाइड करती हैं हमारी जाइगोट की,
और उन सेल में डिफरेंशिएशन भी होता है। तो सेल डिवाइड करेगी, क्यों करेगी? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। जायगोट हमारा डिवाइड करेगा, क्यों? नंबर, सेल का नंबर इंक्रीज करने के लिए। और सेल का नंबर इंक्रीज भी होता रहेगा, साथ साथ में हमारी सेल क्या होती रहेंगी? डिफरेंटेट होती रहेंगी। डिफरेंटेट मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हमारी सेल डिफरेंटेट होंगी। जैसे रूट बनाने के लिए, स्टेम बनाने के लिए, या दूसरे पार्ट बनाने के लिए हमारी सेल क्या होंगी? डिफरेंटेट हो जाएंगी। डिफरेंशिएशन का मतलब आपको नहीं पता तो बता देता हूं कि सेल डिवाइड करना छोड़ के कुछ काम करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है, एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट वेदर आउटसाइड और इनसाइड। कि हमारे जायगोट का डेवलपमेंट कहां हो रहा है, बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है, उसके बेसिस पे एनिमल्स को हमने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है ओवी पेरस। ओवी का मतलब एग होता है, पेरस मतलब लेइंग। एग लेइंग एनिमल्स को हम बोलते हैं ओवी पेरस। फर्टिलाइज एग जो होता है इन ऑर्गेनिज्म में कवर्ड बाय हार्ड कल्केरियस सेल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपने देखा होगा बर्ड्स का एग जो होता है, बाहर एक आउटर व्हाइट कलर की सेल होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आर लेड इन ए सेफ प्लेस, सभी ऑर्गेनिज्म अपने एग को एक सेफ प्लेस पे ले करते हैं। और आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनमें से यंग वन हैच आउट होता है, बाहर निकलता है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में। और इनमें क्या होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है विवीपेरस। विवीपेरस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बर्थ देते हैं, ठीक है, बर्थ गिविंग एनिमल्स को विवीपेरस बोलते हैं। इनमें जायगोट डेवलप इन टू द यंग वन इन साइड द फीमेल्स बॉडी। जायगोट से यंग वन बनता है, किसमें? फीमेल की बॉडी में बनता है। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, मतलब उस जायगोट के अंदर ग्रोथ या एम्ब्रियो में ग्रोथ जो होती है फीमेल की बॉडी में ही होना शुरू हो जाती है। और कुछ हद तक ग्रोथ होने के बाद, जैसे 9 मंथ की ग्रोथ होने के बाद, फीमेल उसको क्या करती है? बर्थ देती है। और यह भी हमें पता है वी पैरस क्या प्रोवाइड करते हैं? बेटर सर्वाइवल चांस प्रोवाइड करते हैं टू देयर यंग वन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल है। डेवलपमेंट भी क्या है? इंटरनल है। सो दे आर प्रोवाइडेड सेफ एंड प्रीडेटर फ्री एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड बेटर केयर एंड प्रोटेक्शन। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स में ऐसा होता है। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास ओवोविवीपेरस। ओवोविवीपेरस का मतलब क्या है? एग लेइंग भी हैं, एग भी होता है इनके अंदर, और बर्थ भी देते हैं। वो कैसे? फीमेल कैप द एग इनसाइड इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हमने बर्ड्स के केस में क्या पढ़ा था? जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल अपने एग को बॉडी से बाहर निकाल देती है। फर्टिलाइजेशन नहीं भी होती तो भी अनफर्टिलाइज्ड एग को बाहर निकालना ही है उसको, फर्टिलाइजेशन हो गया तो भी निकालेगी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद वह एग को बाहर निकालती है एंड अलाउ। लेकिन यहां पे क्या है? फीमेल अपने एग को अपनी बॉडी में ही रख लेती है इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड अलाउ डेवलपमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। और अपनी बॉडी से उस एग के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि उनमें प्लेसेंटा ही नहीं होता। हमारे केस में तो क्या होता है, ह्यूमन के केस में मदर जो होती है प्लेसेंटा के थ्रू डेवलपिंग एम्ब्रियो को या डेवलपिंग फीटस को या यंग वन को फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है, उसका वेस्ट भी रिमूव करती रहती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद अपने एग को अपनी बॉडी में ही रख लेते हैं और उनके अंदर जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है वो फूड और न्यूट्रिशन उसी एग से लेता है, मदर कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन उसको नहीं देती है। और फाइनली एग अंदर ही टूट जाता है और बर्थ होती है बच्चे की, बच्चा बाहर निकलता है, जैसे शार्क में होता है और रैटल स्नेक में होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए कितना अनोखा केस है कि एग स्पर्म से या मेल गैमेट से फ्यूज हुए बगैर केवल एग ही नया ऑर्गेनिज्म बना देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसको हम वर्जिनल बर्थ भी बोल देते हैं,
कि फीमेल वर्जिन है, मेल की जरूरत ही नहीं है उसको, और फिर भी उसने बर्थ दे दिया है। ऐसा रोटीफर्स में, हनी भी मेल के केस में, बर्ड्स टर्की बर्ड्स जो होती हैं उनमें, वास्प में, बीटल्स में, एफिड्स में, इनमें देखने को मिलता है। तो पार्थेनोजेनेसिस जो होती है वो टू टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। कई बार हमें इसको थ्री टाइप की भी मान लेते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और पेडोजेनेसिस। लेकिन पहले हम इसको नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड करते हैं। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो होती है वो थ्री टाइप्स की है, कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी भी बोलते हैं, मतलब हमने कंडीशन रख दी कि यहाँ पे जो होंगे केवल पार्थेनोजेनेसिस से ही न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे और उन ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेक्स होगा, ओनली फीमेल, मेल होंगे ही नहीं। फीमेल ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन फीमेल को प्रोड्यूस करती रहेंगी, देयर विल बी नो नीड ऑफ मेल। एग्जाम्पल, लेक्रेटा सेक्सी कोला एंड टाइफलिना ब्राह्मिना, ये दो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म पार्थेनोजेनेटिकली भी प्रोड्यूस होंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी प्रोड्यूस होंगे। जैसे हनी बी की बात करते हैं, उसमें मेल जो प्रोड्यूस होते हैं वो पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब हनी बी का जो एग होगा वो फर्टिलाइज अगर नहीं होता है तो मेल प्रोड्यूस हो जाएगा, और फर्टिलाइज हो जाता है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है तो फीमेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट और साइक्लिक। नेक्स्ट है पेडोजेनेटिक, व्हेन पार्थिनोजेनेसिस अकर इन लार्वल स्टेज। अगर पार्थिनोजेनेसिस जो है लार्वल स्टेज में हो जाए, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट ना हो पाए लेकिन लार्वल स्टेज में ही पार्थिनोजेनेसिस हो जाए, जैसे लार्वा ऑफ लिवर फ्लू, रेडिया एंड कर्केरिया लार्वा, हमने डिफरेंट डिफरेंट लार्वा पढ़े थे लिवर फ्लू के, मेरिसिडियम लार्वा, रेडिया, कर्केरिया, मेटा कर्केरिया, डिफरेंट लार्वल स्टेज पड़ी थी उसमें रेडिया एंड कर्केरिया लार्वा जो होते हैं वो पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होते हैं। उधर आर्टिफिशियली पार्थिनोजेनेसिस, ये नेचुरल नहीं होती, हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं बाय फिजिकल और केमिकली स्टिमली। फिजिकल स्टिमली जैसे टेम्परेचर चेंज कर दें एग का, पीएच चेंज कर दें उसकी, इलेक्ट्रिक शॉक दे दें, यूवी रेडिएशन की वजह से या प्रिक ऑफ नीडल की वजह से भी उसमें पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस हो सकती है। और कुछ केमिकल्स आते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल, इनकी वजह से भी हम आर्टिफिशियली पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस कर सकते हैं। हार्टविंग साइंटिस्ट था, 1896 में सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस की थी इन सी अर्चिन बाय यूजिंग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को यूज करके उसने सी अर्चिन के अंदर पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस की थी। अब देखिए पार्थिनोजेनेसिस के अंदर अगर केवल मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल ही पार्थिनोजेनेसिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को आर्हेनोटॉकी बोलते हैं। रोटीफर में, हनीबी मेल और वास्प में ऐसा होता है, मेल जो प्रोड्यूस होंगे वो पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होंगे। अगर फीमेल प्रोड्यूस हो रही है पार्थिनोजेनेटिकली तो उसको थैलोटॉकी बोलते हैं, लेक्रेटा सेक्सिकोला एंड टाइफिलिना ब्राह्मिना। और मेल और फीमेल में से कोई भी प्रोड्यूस हो सकता है तो उसको बोलेंगे एम्फीटॉकी, एफिड में ऐसा होता है। तो टर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। अब एक लास्ट एक टर्म रहती है नियोटेनी। नियोटेनी क्या होता है, व्हेन लार्वा रिटेन्स एडल्ट करैक्टर। लार्वा है लेकिन उसमें एडल्ट के करैक्टर आ गए, सच एज गोनार्ड्स में टेस्टिस एनोरिया अपीयर हो गए और वो रिप्रोड्यूस करने के लायक हो गया, तो उस कंडीशन को नियोटेनी बोलते हैं। एग्जाम्पल है एक्सोलोटल लार्वा ऑफ सिलेमेंडर, इसमें ऐसे देखने को मिलता है। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जिन बच्चों ने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो पहले वाले पार्ट्स मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।